हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स हम एमपी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में हमें क्लाइमेट ऑफ एमपी देखना है, मध्य प्रदेश की जलवायु। फ्रेंड फर्स्ट पॉइंट नोट कर लो, एमपी की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। फ्रेंड आपको एक बात पता होगी, हमारी जो 0 डिग्री लाइन है जिसको हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, उसके 23.5 डिग्री ऊपर एक लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री नीचे लाइन है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा है। 21 जून को 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा पर सूरज की परपेंडिकुलर रोशनी गिरती है, इसीलिए 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, और कोइंसिडेंटली आज 21 जून ही है। फिर जून 2 महीने बाद सितंबर तक आते आते ये जो लाइन परपेंडिकुलर लाइन 23.5 डिग्री नॉर्थ पर गिर रही थी, धीमे धीमे वो 0 डिग्री पर आ जाएंगी, और धीमे धीमे फिर 23.5 डिग्री साउथ में पहुंच जाएंगी यानी मकर रेखा पर। फिर सूरज की लाइनें ऊपर जाएंगी और 0 डिग्री में आ जाएंगी, वो मार्च होगा। ये सूरज की रोशनी कैसे पहले यहाँ गिर रही है परपेंडिकुलर, फिर 0 डिग्री पर, फिर नीचे जा रही है, ये सूरज की रोशनी यहीं घूमती रहती है, इसलिए ये सबसे गर्म क्षेत्र होता है। उसके लिए आपको ये वाला पॉइंट पता होगा, जो हमारी पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री टिल्ट है, इसलिए 0 डिग्री के साथ साथ ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23.5 डिग्री पर है, ये कॉन्सेप्ट में आती है। ये सूरज है, ये अर्थ है, इसकी रोशनी डायरेक्ट यहाँ गिर रही है कर्क रेखा पर, क्योंकि ये 21 जून है। फिर थोड़े दिन बाद सितंबर में जब ये पृथ्वी घूम के इधर ऊपर आ जाएगी तो इसकी सूरज की डायरेक्ट किरणें 0 डिग्री पर गिरेंगी, तो ऐसे सूरज की किरणें चेंज होती रहती हैं, कहाँ से 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, तो सबसे ज्यादा गर्मी इसी क्षेत्र में होती है। अब आपको पता होगा हमारा इंडिया 8 डिग्री से 37 डिग्री तक है लगभग, ये 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर तक और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नीचे तक, इसको बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, क्योंकि ट्रॉपिक्स है ना ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं हिंदी में, उष्णकटिबंधीय जोन। यहाँ मौसम थोड़ा गर्म रहता है क्योंकि सूरज की किरणें पड़ रही हैं, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री ऊपर भी और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री नीचे, इस एरिया को शीतोष्ण जोन बोलते हैं यानी कि टेम्परेट जोन, और 66.5 से नॉर्थ पोल 66.5 से साउथ पोल, इसको बोलते हैं बिल्कुल शीत जोन, बिल्कुल ठंड। ओके, हमें पता है हमारा इंडिया 8 से 37 के बीच में है, बीच में 23.5 डिग्री लाइन जा रही है, तो हम ये देख रहे हैं भाई ये 0 से 23.5 है 23.5 डिग्री, इस जोन को बोल दो उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जोन, और ऊपर वाले इंडिया को बोल दो 23.5 के ऊपर को शीतोष्ण जोन। लेकिन हमें पता है हम पूरे इंडिया को उष्णकटिबंधीय जोन में रखते हैं, हमारा क्लाइमेट कैसा है, उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल मानसूनी क्लाइमेट है, वो इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि ये ऊपर वाले पार्ट पर 23.5 से 66 के बीच में शीतोष्ण के हिसाब से ठंडी हवाएं आनी थी नॉर्थ से, लेकिन हिमालय उन हवाओं को आने से रोक देता है, इसलिए हम पूरे ही इंडिया को उष्णकटिबंधीय जोन में रख लेते हैं। और मानसूनी इसलिए क्योंकि हमारी जो जलवायु है वो मानसून पर निर्भर करती है, इसलिए उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है इंडिया की भी और एमपी की। अब फ्रेंड्स आपको इंडिया में वर्षा का पैटर्न तो पता होगा, एक मैप बना लेते हैं हम इंडिया का, ये रफ मैप बना लिया है फ्रेंड, उम्मीद है आपको सारी डायरेक्शन पता होंगी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और एमपी के सीजन भी पता होंगे। गर्मी पड़ती थी, मार्च से शुरू हो जाती है गर्मी पड़ना जो जून तक चलती है, जुलाई से बारिश होती है जो अक्टूबर तक होती रहती है, क्योंकि अक्टूबर से हमें सर्दी करानी है, कब तक, फरवरी तक। सर्दी को एमपी में शाला बोलते हैं कुछ जगह पर, तो ध्यान रखना, ये पेपर में पूछ चुके हैं, सर्दी को शाला, याद करना भी इजी है, और बारिश को चौमासा, ये गांव में चौमासा ही बोलते हैं आज भी बारिश को, और गर्मी को यूनाला, ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, गर्मी को या ग्रीष्म ऋतु को यूनाला बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आपको एक बात पता होगी, जब जुलाई में पूरे भारत में बारिश होना शुरू होती है स्पेशली नॉर्थ में, तो यहाँ वाले बादल आते हैं और वो बारिश करते हैं, ये जो मानसूनी बादल होते हैं वो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, आपने सुना भी होगा न्यूज़ आती है कि मानसून केरल तक आ गया, मानसून महाराष्ट्र तक आ गया, मानसून गुजरात तक आ गया, तो ये कौन से बादल हैं, साउथ वेस्ट वाले, दक्षिण पश्चिम वाले, पूरे इंडिया में इन्हीं से 74% बारिश होती है, और एमपी की बात करें तो एमपी में 90% बारिश इन्हीं बादलों से होती है। एमपी का भी एक रफ मैप बना लेते हैं फ्रेंड्स, ये हमने एमपी का रफ मैप बना लिया है, तो ये बादल पहुंच के एमपी में बारिश करा देंगे, ठीक है, पूरे एमपी में बारिश होगी, लेकिन एमपी के जो ये वाला क्षेत्र है ना ईस्ट वाला, यहाँ वाले बादल, बे ऑफ बंगाल वाले बादल ऐसे जाते हैं, यहाँ की पहाड़ियों से टकराते हैं, ये पहाड़ियां हैं, यहाँ से टकरा के इस साइड जाते हैं सारे बादल, और एमपी में डबल बारिश हो गई, एक इन बादलों की वजह से और इन बादलों की वजह से भी इस साइड बारिश हो गई, इसीलिए एमपी में इस साइड का वेस्ट साइड का एवरेज रेनफॉल 75 सेंटीमीटर है और ईस्ट साइड का पूर्वी साइड का 140 सेंटीमीटर रेनफॉल है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये बादल आखिर यहीं क्यों चल के आ रहे हैं, कहीं और क्यों नहीं जा रहे,
ये बादल या हवा उसी साइड चलती है जहाँ तापमान ज़्यादा हो, क्योंकि वहाँ प्रेशर कम होता है। आपने सुना भी होगा, पहले बूढ़े पुराने लोग मानसून आने से पहले हवन कराते थे, जिससे हवन की गर्म हवा ऊपर जाए और आसपास वाले जो नमी वाले बादल है वो गर्माहट से उनके शहर में उनके गांव में खिंचा जाए, जिससे अच्छी बारिश हो। ये तो हो गई फ्रेंड मेन बारिश। लेकिन आपने कभी ऐसा जरूर देखा होगा जब सर्दियां जा रही होती हैं जनवरी फरवरी के टाइम पर, हम अपने स्वेटर रखने ही वाले होते हैं या रख देते हैं, तभी एक दो दिन बारिश हो जाती है और हमें स्वेटर द्वारा निकालने पड़ते हैं। वो क्या है? वो होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बारिश। उसके लिए फ्रेंड्स ये आप मैप देख लो, ये इंडिया है और यहाँ पर ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी, ये ब्लैक सी है, काला सागर। यहाँ से कुछ बादल आते हैं जो काला सागर, ब्लैक सी से और कैस्पियन सी से नमी उठाते हुए भारत में एंटर करते हैं और वो कुछ वर्षा करा देते हैं। फ्रेंड्स ये जनवरी फरवरी का टाइम है, यहाँ पूरे नॉर्दर्न साइड में गेहूं लगा हुआ है और ये बारिश गेहूं के लिए बहुत अच्छी होती है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हुई एमपी में बारिश गेहूं का अमृत बोलते हैं, कई जगह मावठ बोलते हैं, मावठ। अब फ्रेंड्स एमपी को जलवायु के आधार पर चार भागों में बांटा है। फ्रेंड यहाँ एक पॉइंट याद रखना, कृषि जलवायु के आधार पर 11 पार्ट्स में डिवाइड है एमपी, कृषि जलवायु के आधार पर। लेकिन ओनली जलवायु के आधार पर पूछें तो चार पार्ट में डिवाइड है। ये बड़ा ही सिंपल है, एमपी का एक मैप बना लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, जिसको बोल रहे हैं उत्तर का मैदानी क्षेत्र या नॉर्दर्न प्लेन। इसमें कौन कौन से पठार आ गए आपको पता ही है, ये मध्य भारत का पठार आ गया यहाँ, इधर बुंदेलखंड का पठार आ गया और इधर थोड़ा सा रीवा पन्ना का पठार आ गया। इसमें कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होता है, ऊपर वाले पार्ट में आपको पता ही है गर्मी में बहुत गर्मी, सर्दी में बहुत सर्दी, महाद्वीपीय प्रकार का क्लाइमेट है। दूसरा भाग है मालवा का पठार, ये जलवायु के आधार पर है, चार भागों में डिवाइड है। दूसरा है मालवा का पठार, इसमें तो फाइयान ने बोला ही था ये विश्व की सबसे अच्छी जलवायु है, तो यहाँ समशीतोष्ण जलवायु है, जिसको हिंदी इंग्लिश में टेम्परेट क्लाइमेट बोल सकते हैं। थर्ड है नर्मदा घाटी क्षेत्र, यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है लेकिन सर्दी साधारण होती है। और चौथा और लास्ट है ये वाला पार्ट, विंध्यांचल हिल रीजन, मानसूनी जलवायु है इसकी। अब मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कृषि जलवायु के हिसाब से 11 पार्ट में डिवाइड है। बहुत सारे लोग बोलते हैं इन 11 पार्ट को याद मत करो, कृषि जलवायु के हिसाब से 11 पार्ट में डिवाइड है, लेकिन फ्रेंड्स हमें याद हो जाएगा। हमें सात भौगोलिक विभाजन याद हैं। फर्स्ट था मालवा प्लेट्यू, ये ऑर्डर में याद था, सबसे बड़ा मालवा प्लेट्यू, उसके बाद उसके नीचे वाला नर्मदा सोन, उसके बाद उसके नीचे वाला सतपुड़ा मैकान, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सबसे ऊपर यानी कि मध्य भारत का प्लेट्यू, उसके बाद रीवा पन्ना के प्लेट्यू, और सिक्स्थ एंड सेवन्थ पर बघेलखंड और बुंदेलखंड में तो जंग छिड़ी थी छोटे होने की, लेकिन बुंदेलखंड बघेलखंड से बड़ा निकला था, लास्ट था बघेलखंड प्लेट्यू। ये हमें याद है, इसी से हम 11 पार्ट में जो कृषि जलवायु प्रदेश बटे हुए हैं वो याद कर लेंगे। फर्स्ट हो जाएगा मालवा प्लेट्यू, लेकिन इसका रीजन ये रहेगा, मेन रीजन रहेगा बस ये। पहले था नर्मदा घाटी क्षेत्र, अभी भी नर्मदा घाटी क्षेत्र है, लेकिन इसका नर्मदा हमें पता है मेनली कहाँ से निकलती है, होशंगाबाद। तो होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर और होशंगाबाद के साथ हरदा भी ले लेते हैं, ये तीन चार डिस्ट्रिक्ट। तीसरा है सतपुड़ा, पहले तो हमने यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक सतपुड़ा पड़ा था, तीन पहाड़ियाँ पड़ी थी, राजपीपला, महादेव, मैकान, लेकिन अभी सिर्फ सतपुड़ा का कौन सा भाग, ये दो डिस्ट्रिक्ट, बैतूल और छिंदवाड़ा। चौथा मध्य भारत प्लेट्यू, ये पूरा रीजन अब इसका नाम बदलकर हो गया है ग्रिड, ग्रिड रीजन। ये अलग अलग लोगों ने डिवाइड किए हैं, सात भौगोलिक क्षेत्र वो अलग हैं और ये 11 कृषि जलवायु के आधार पर हैं, लेकिन हम बस याद करने के लिए इंटरलिंक कर रहे हैं जिसे याद आ जाए। रीवा पन्ना का पठार, इसका ये वाला क्षेत्र, और ये वाला क्षेत्र कौन सा था, कैमूर की पहाड़ियां थी यहाँ पर, तो ये क्षेत्र हो गया कैमूर। बुंदेलखंड रीजन, इसका नाम चेंज नहीं हुआ, ये बुंदेलखंड ही है। बघेलखंड रीजन, हाँ फ्रेंड्स ये वाला जो क्षेत्र है ना ईस्ट साइड वाला, ये आपको पता है छत्तीसगढ़ अलग हो गया, धान का कटोरा अलग हो गया, सबसे ज्यादा बारिश होती है, धान के लिए सबसे सही है ये वाला क्षेत्र। इस वाले पार्ट को बोलते हैं नॉर्दर्न हिल रीजन ऑफ छत्तीसगढ़, तो बघेलखंड से दो बनते हैं, नॉर्दर्न हिल रीजन ऑफ छत्तीसगढ़ जो ये वाला पार्ट है, थोड़ा सा सीधी और यहाँ पर शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, और नीचे जो बालाघाट है वो वाला रीजन है नॉर्दर्न प्लेन छत्तीसगढ़। इस तरह से हमारे आठ याद हो गए, तीन और याद करने हैं, वो बड़े ही सिंपल हैं। झाबुआ का अलग से प्लेटू नाम दे दिया है, नौवा हो गया झाबुआ प्लेटू, दसवा हो गया ये निमाड़ क्षेत्र का निमाड़ प्लेटू, और ग्यारहवा हो गया ये जो विंध्यांचल की जगह बची है वो विंध्यांचल प्लेटू।
तो इन 11 कृषि जलवायु के आधार पर इन प्रदेशों को डिवाइड किया है। जलवायु के आधार पर एमपी को 4 भाग में डिवाइड किया था। तो फ्रेंड इधर जलवायु वाला टॉपिक तो कंप्लीट हुआ, लेकिन फसल के आधार पर भी एमपी को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, कहां कौन सी फसल होती है उस हिसाब से। तो हम फसल वाला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पूरा। थैंक यू।